जानी मानी मॉडल और सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे की अचानक निधन की खबर सामने आ रही है। 32 साल की उम्र में अभिनेत्री पूनम पांडे की मौत की खबर सुनकर उनके सभी फैंस शॉक्ड रह गए। उनकी टीम ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की है और इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है कि पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया है। ये खबर सरकार द्वारा 9 साल से चलाई जाने वाली युवा लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीके की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई है। जी हाँ, सरकार ने कल ही इस बात की घोषणा की थी कि बजट 2024 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार 9 वर्ष से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण को बढ़ावा देगी। जहाँ 1 फरवरी 2024 को सरकार ने इस बात की घोषणा की कि जो भी लड़कियाँ 9 से 14 साल के बीच हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है जिससे उन्हें सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। वहीं उसके ठीक एक दिन बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो वाकई अभिनेत्री पूनम पांडे के फैंस को और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी फैंस को हैरान करने वाली है कि अचानक 32 साल की छोटी उम्र में अभिनेत्री पूनम पांडे की निधन हो गया है और उसकी वजह है सर्वाइकल कैंसर। पूनम पांडे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती थी। अपने बोल्ड लुक्स के चलते चर्चा बटोरना उनके लिए बहुत आसान था। इसके अलावा अपनी बातों और एक्शन पर काफ़ी ज़्यादा विवादित रहती थी। पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक मॉडल की थी। साल 2013 में फिल्म नशा के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने लव इज पॉइनेस, आ गया हीरो और द जर्नी ऑफ कर्मा जैसी फिल्मों में काम किया था। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी उन्हें देखा गया था। वहीं पूनम पांडे का सबसे ज्यादा विवादित बयान वो था जब 2011 में पूनम पांडे ने कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड पोज करेंगे। इसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। 2016 में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। टीम की जीतने की खुशी में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेमी न्यूड पोस्ट शेयर किया था। वहीं अचानक इस तरह की खबर सामने आने के बाद उनके दर्शक ये कयास लगा रहे थे कि कहीं ये किसी तरह का प्रचार तो नहीं है, लेकिन उनकी मैनेजर निकिता शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है और ऐलान किया है कि पूनम पांडे इंडस्ट्री का चमकता सितारा थी और वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पूनम पांडे को कुछ वक्त पहले ही कैंसर से पीड़ित पाया गया था। ये आखिरी स्टेज का कैंसर था। वो यूपी में अपने होम टाउन में थी और इलाज करवा रही थी। उनका अंतिम संस्कार भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। पूनम पांडे की ऑफिशियल टीम ने इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि आज की सुबह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी पूनम को हमने सर्वाइकल कैंसर के हाथों खो दिया है। इस दुख भरी घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट फैन से करते हैं ताकि हम उन्हें प्यार से याद कर सकें। वहीं पूनम पांडे ने 29 जनवरी को अपना एक वीडियो शेयर किया था जो कि इनका आखिरी पोस्ट माना जा रहा है। इस पोस्ट में पूनम को ब्लैक लेदर पैंट और वाइट कॉपर स्टैप में देखा गया था। वो एक क्रूज पर स्टाइलिश अंदाज में चलती हुई और एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम थी लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी।